हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर है, यानी जो हमारी सब यूट्यूब फैमिली है, जिन जिन भाई लोगों ने, प्रकाश, राजेश, जिन आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिन जिन भाई लोगों ने मुझसे मीटर लिए थे, उनकी ये एक रिक्वेस्ट थी कि भाई आपने कुछ दिनों से वीडियो डाला नहीं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भी किया था। तो उनकी उनको जानना था कि मेरे पास कौन कौन से पार्ट्स हैं और मैं उन पर भी एक वीडियो बनाऊँ। अनबॉक्सिंग ही सही, लेकिन चलो कुछ डालते हैं चैनल के साथ। तो ये है मेरे पास बजाज एमिटी के कुछ स्पेयर पार्ट। हाँ, तो सो गाइस, देख सकते हैं आप। तो ये है अपने पास, ये मैंने चेन्नई से मंगवाए थे और कुछ मैंने पूना से लिए है। थैंक गॉड कि मुझे बजाज का जेन्युइन सामान मिला, क्योंकि जो लोकल सामान है वो कभी कामयाब नहीं होता। और ये एमएटी फर्स्ट लुक अपनी गाड़ी भी ऐसी है जिसका सामान ओरिजिनल मिलता ही नहीं है। और आज जो भी मार्केट में एमएटी घूम रही है वो सभी की सभी लोकल सामान पर ही डिपेंड है, क्योंकि लोकल सामान ने ही एमएटी फर्स्ट लुक को चला कर रखा है। बजाज वालों को तो कुछ पड़ी नहीं थी, तो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, ये है देखिए बजाज का गियर ऑयल पंप ड्राइव। तो ये अपना बजाज की अपना एमएटी फोर स्ट्रोक का ऑयल पंप जो है ना, उसकी गरारी है। गियर भी बोलते हैं उसे अपना इंग्लिश में, लेकिन अपनी दिल्ली वाली लमसम भाषा में मैं आपको उसे दिखाना चाहूँगा। तो हाँ, इसकी मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए आप, FA 10-13-34 इसका पार्ट नंबर, और पैकिंग है June 2007 की, और तब इसकी कीमत थी 42 रुपये, यानी 42 रुपीज़। तो आज के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस बढ़ ही चुकी होगी। एक मिनट। तो देखिए दोस्तों, ये है अपने ऑयल पंप की गरारी। आमतौर पे ये जो गरारी है ये मिलती नहीं है, और ये जल्दी से ख़राब नहीं होती, लेकिन अगर ख़राब हुई तो इसका मिलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होता है। लेकिन मुझे मिल चुकी थी, तो ये कुछ इस तरह से दिखती है। तो अगला सामान है अपने पास, हाँ ये है अपना टैपेट डोर। ये अपना टैपेट आता है ना, इंजन केस का कवर। सॉरी, मैं आपको अनबॉक्स नहीं करा सकता क्योंकि मुझे गाड़ी रजिस्टर करानी है, इसलिए सामान जैसे का वैसा पड़ा हुआ है, और अगर इसे अनपैक कर दिया तो इधर उधर हो जाता है सामान बॉक्स में, इसलिए समझ नहीं पाता मैं कौन सा कोई। तो ये अपना टैपेट का डोर है, कवर टैपेट डोर CB 10-10-03। इसकी भी पैकिंग जुलाई 2003 की है, और तब इसकी कीमत 36 रुपये थी। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक रेफरेंस इमेज डाल दूंगा, ये भी बजाज की जेन्युइन है। और आगे देखते हैं अपना बजाज, हाँ हाँ ये दिखाना ही था मुझे। सो ये देखिए, सो जिन जिन भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी वो देख सकते हैं चैनल पर। यह है अपना बजाज के इंजन ऑल। तो बजाज की एक बाइक आती थी बजाज बी बाइक है, और अपना एमएटी फोर स्ट्रोक, दोनों का पार्ट नंबर सेम ही है, CB 10-10-16, और July 2014 की पैकिंग है, 112 रुपये MRP, 111 है लेकिन 112 समझ लीजिए। और अभी 8 साल बाद अगर इसको लेने जाते तो इसकी प्राइस लगभग हो जाती, 8 साल बाद 250-180-200 हो जाती। ये अपनी इंजन वॉल है, ये अपना इंटेक की वॉल है, क्योंकि इंटेक की वॉल की एक खासियत होती है कि उसका जो मुँह रहता है ये सिरा ये बड़ा रहता है, और अपनी एग्जॉस्ट की वाली होती है वो थोड़ी छोटी होती है। मैं दिखाता हूँ एक मिनट। हाँ, सो गाइस देखिए, ये अपनी एग्जॉस्ट की वॉल थी है, यानी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ये भी मैंने ली देखिए पैकिंग आप देख सकते हैं इस पर, मई 2008 एग्जॉस्ट वॉल BY के, यानी और पार्ट नंबर है CB 10-10-17। तो इसे भी अनबॉक्स कर ही लेते हैं। सॉरी, मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे अच्छी खासी दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए अपनी वॉल निकलना भाई, हाँ ये देखिए गाइस, इसमें थी ये देखिए अपनी एग्जॉस्ट की वॉल। इसका जो फेस रहता है ये पूरी तरह चपटा होता है, यानी पूरा प्लेन फ्लैट सरफेस। और ये अपनी जो वॉल आती है इनलेट की वॉल, जिससे पेट्रोल और ऑक्सीजन, यानी पेट्रोल और हवा जाती है, वो उसका मुंह थोड़ा बड़ा होता है, आप देख सकते हैं, मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको। ये देख लीजिए, हाँ देख सकते हैं आप। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बजाज की जेन्युइन पैकिंग से है, तो क्वालिटी तो 101% अच्छी होगी। और ये देखिए ये वॉल, तो ये वॉल सेट मैंने लिया था नासिक से, तब गाड़ी का कुछ काम निकला था तो जेन्युइन मिल नहीं सकी थी, तो मैंने 2 सेट ले लिए थे। ये देखिए वॉल सेट MAT, 150 रुपये कीमत थी, लेकिन उसने मुझे 180 दिया था। ये मैंने फरवरी में ही ली, यानी जनवरी
2019 में ली थी, तो ये फरवरी की पैकिंग है। और ये है ना बजाज की जो सफायर स्कूटर आती थी ना फोर स्ट्रोक, उसमें भी लगती है। तो अगर आपको लेना होगा इंजन वॉल तो बजाज एमएटी, बजाज सफायर और बजाज वीवाई के, ये तीनों गाड़ी में एक ही वॉल आती है। तो ये देखिए, और ये इसकी क्वालिटी दरअसल बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैंने ये डाली थी जब गाड़ी का काम निकला था 2019 में, तब डाली थी और अभी भी ये अच्छे से चल रही है और इसकी क्वालिटी बेहतरीन है। तो ऐसा नहीं है कि लोकल पार्ट्स कामयाब नहीं होते, वो कामयाब होते हैं, सब लेते आना चाहिए और जो मैकेनिक है वो अच्छा होना चाहिए। और क्वालिटी की बात करें तो जेन्युइन और इसकी साफ यानी एक जैसी दिखती है। और हाँ ये देखिए बजाज का, सॉरी हाँ, तो ये अपना बजाज ऑटो लिमिटेड, ये है अपना ऑयल गेज लेवर, यानी अपना इंजन का ऑयल चेक करते हैं ना अपन लेवल, तो इसका पार्ट नंबर है FA 1038। और इसकी पैकिंग December 2001, और इसकी कीमत कुछ तो 51 रुपीज़ और समथिंग दिख रहा है, ये बहुत धुंधला दिख रहा है कैमरा में, आपको शायद नज़र भी नहीं आएगा, तो ये देख सकते हैं आप। ये अपना, सॉरी मैं आपको पूरा का पूरा अनबॉक्स करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर इन मेटल चीज़ों को मैं अनबॉक्स करूँगा ना तो इनमें रस्ट लगता था, फिर उसके बाद इनमें इंजन ऑयल लगा के रखो, ग्रीस लगा के रखो, तो ऐसे दो बॉक्स पड़े हैं मेरे पास, तो उपाधि हो जाती है हमारी मराठी में। तो और ये है बजाज की अपनी कैमशाफ्ट असेंबली BYK। हाँ, और BYK के बहुत से इंजन के पार्ट्स MAT में लग जाते हैं, यानी दोनों एक ही गाड़ी यानी एक ही इंजन शेयर करते हैं ना। और BYK बनी थी M100 प्लेटफॉर्म में, जो MAT का प्लेटफॉर्म था अपग्रेडेड, MAT 100cc में बनाने से अच्छा है उन्होंने सोचा कि BYK ही बना डालते हैं, चलो 100cc वाली। तो इसका पार्ट नंबर देख सकते हैं आप FD 1059। पैकिंग है September 2010, 401 रुपये की प्राइस है, लेकिन ये मैंने ली थी ना तो उसने मुझे कुछ 750 में दिया था, और ये जो पुराने सेलर होते हैं ना वो बहुत ही हरामी होते हैं, सॉरी अगर कोई सेलर मेरा वीडियो देख रहा हो तो, डोंट ऑफेंड गाइस, डोंट बी ऑफेंडेड। और सच बताऊँ तो ये जो दिल्ली वाले होते हैं ना, यानी ये कुछ सामान मैंने दिल्ली से लिया था, तो जो दिल्ली वाले शॉपकीपर होते हैं ना सेलर, दिल्ली वाले होते हैं लेकिन बिल्कुल भी दिल वाले नहीं होते, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आ चुका है मुझे दिल्ली में जाकर। तो जो कहावत है ना, दिल वाले दिल्ली वाले होते हैं, ऐसा दिल्ली वालों के पास बड़ा दिल होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट नॉर्मल पर्सन की बात नहीं कर रहा मैं, सेलर की बात कर रहा हूँ। ये मैंने नाईवाला मार्केट से ली थी, वो जो दिल्ली के अंदर आता है करोल बाग के पास, तो ये अपनी कैमशाफ्ट है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मैंने एक डाली थी सीको की, सीको और मिको दो कंपनियाँ हैं जो कैमशाफ्ट बनाती है MAT की, मैं उसका फोटो भी डाल दूंगा रेफरेंस के लिए यहाँ पे, तो उसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, मैंने गाड़ी में डाली है और बहुत अच्छी है उसकी क्वालिटी। और देखिए कंपनी से आती थी तो कंपनी इसमें ग्रीस लगा के ही देती थी, इसमें शायद थोड़ा सा रस्ट आ चुका है, लेकिन मुझे चिपचिपाहट महसूस हो रही है ग्रीस की वजह से हाथ पे, तो इसे साइड रखते हैं। और हाँ गाइस, ये देखिए ये है रियर व्हील का हाफ एक्सल, सॉरी अनबॉक्स नहीं हो पाया कुछ, हाँ शायद ये पैक है, एक मिनट। हाँ गाइस, ये देखिए अपना रियर व्हील का हाफ एक्सल है MAT का, MAT फोर स्ट्रोक का, MAT और MAT फोर स्ट्रोक के दोनों गाड़ियों के हाफ एक्सल अलग अलग आते हैं, तो आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा अपना नॉर्मल MAT का MAT फोर स्ट्रोक में लगाने का, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, और जो MAT का होता है वो थोड़ा शॉर्ट आता है, और उसके जो ये क्या बोलते हैं आप, दाते बोलेंगे ना अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, हाँ ये थ्रेडेड पोर्शन जो होता है ना, अंग्रेजी में बोलना पड़ रहा है मुझे, तो इनमें से गैप बहुत कम होता है उसका। हाँ, और ये देखिए पिस्टन मैंने लिया था बजाज MAT फोरेस्ट, ये सैम का पिस्टन है और ये 0.5 का है, यानी उसके पास था जिससे लिया था मैंने, तो बॉक्स पे भले ही 0.75 दिख रहा होगा लेकिन ये 0.5 का है दरअसल, और उसने ये मुझे 700 का दिया था शायद, याद नहीं मुझे, 2-3 साल हो चुके हैं, क्योंकि जिनके पास होता है वो बहुत महंगा देते हैं, और ढूंढने लगा तो बोलते हैं कि भाई तेरी एक पुरानी गाड़ी का सामान ढूंढने में हमारे 10 नई गाड़ी के सामान लेने आने वाले चले जाएंगे बोले, क्योंकि उनको गोडाउन में जाना पड़ता है, ऐसा नखरी करते हैं वो लोग। एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ तो ये देखिए 0.5 का है यानी 50 नंबर का, ये इधर अपनी इनलेट की वॉल लगी और इधर एग्जॉस्ट की, यहाँ पे इनलेट लिखा ही हुआ है, और क्वालिटी सैम की तो बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि मैंने एक बार ब्लॉक असेंबली डाली थी, ब्लॉक किट अपनी MAT फोर स्ट्रोक में, तो जेन्युइन मुझे कुछ
2900 के आसपास पड़ी थी, यानी उसने शिपिंग मिला के 3000 ले लिए थे। और वहाँ देखिए आप अंदर देख सकते हैं एसपी लिखा हुआ है, यानी सैम, इधर दिख नहीं पाएगा आपको शायद, आपको मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर। और ये पिन अपना पिस्टन की पिन बोलते हैं इसे, गर्जियन पिन बोलते हैं इसे हमारे इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में। तो ये भी बहुत अच्छा, यानी जन दो वीडियो लंबा हो रहा है तो थोड़ा शॉर्ट करते हैं वीडियो को। यह है अपनी रॉकर आर्म की शाफ्ट CB 10-15, और पैकिंग जून 2002 की पैकिंग है, और कुछ 50 रुपये लिए थे उसने मुझे इसके मेरे से। ये यहाँ पे लगती है, ये देखिए इसमें है रॉकर आर्म, ये रॉकर आर्म है, यह इसके अंदर जाती है ओपिन वो शाफ्ट, और तब ये कैम शाफ्ट पे घूमती है इस पर जो मैंने आपको पहले दिखाया है, और उसी पे अपन जो गाड़ी की टाइमिंग है वो सेट होती है। तो मैं आपको ये भी दिखा था। हाँ तो गाइस ये देखिए ये रॉकर आर्म है, बजाज की जेन्युइन है, उसके पास पैकिंग फट चुकी थी तो मैंने वो पुरानी पैकिंग से निकाल के उन्हें खुद से पैक कर लिया था। क्वालिटी देखा जाए तो क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, और ये भी थोड़ी चिपचिपी लग रही है क्योंकि कंपनी ग्रीस लगा के देती है। और ये है अपने इंजन, हाँ ये गाइड वॉल आते हैं अपने इनमें, अपना ये एग्जॉस्ट और इनलेट वॉल को गाइड करने के लिए, इंजन वॉल को गाइड करने के लिए होता है। तो ये भी देखिए एमटी और सफायर दोनों में लगता है, और बीवाई के में भी लगता है, जिसने पैक किया है उनको पता नहीं होगा, बीवाई के में भी लगता है सर। तो ये भी मुझे उसने 250 में दिए थे एक पेयर, ये चेन्नई से लिए थे मैंने, मंगवाए थे, देखिए ऑटो पार्ट्स चेन्नई भी आ रहा है लिखा हुआ। और हाँ ये जो है टैपेड डोर, जो मेरे पास जो सेकंड जनरेशन एमटी है, यानी जो फर्स्ट जनरेशन के बाद लॉन्च हुई थी 4 महीने बाद, तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो एमटी है उसको टैपेड डोर दिए हुए, यानी साइड कवर, अपना साइड कवर के डोर जो है वो नीचे के साइड को किक के पास, मैंने वो एमटी देखी है शायद फ़ोटो देखे, तो किक के पास राइट हैंड साइड में ऐसा कुछ कवर दिया है उनको टूल बॉक्स रखने के लिए, टूल किट रखने के लिए, टूल बॉक्स जैसा, तो उनके लिए ये मेरे कुछ काम नहीं आने वाले, जिनको चाहिए होगा वो ले सकते हैं। ये भी जेन्युइन में ही थे, कुछ नील वो पुराने वाले लोगों वाले बॉक्स में था है, तो मैंने शॉर्ट करके यानी जगह नहीं थी तो निकल के फेंक दिया बॉक्स। तो अगर किसी को चाहिए होगा ये उनके लिए, ऐसे भी मेरे कुछ काम नहीं आने वाले, मैं फेंक ही दूंगा तो चलेगा। और हाँ ये अपनी बेरॉक की है, ये क्या बोलती है इसे, 4 इंच कॉइल MAT 4-stroke की बेरॉक इंजीनियरिंग की, और अपनी जो कॉइल स्टेटर प्लेट आती है ना उसकी जो मेन कॉइल होते हैं ऊपर के, तो अगर वो शॉर्ट हो गए, जो लाइटिंग कॉइल होती है वो शॉर्ट हो गई तो कॉइल ही बदलनी पड़ती है, लेकिन अगर ये 4 इंच कॉइल शॉर्ट हो जाती है ना तो इनको चेंज करना आसान होता है, इनको हम बाहर से अपडाउन मार्केट ले के रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो पूरी स्टेटर कॉइल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसकी प्राइस 115 है, और कुछ 2014 की पैकिंग है बेरॉक की थी, ये मैंने चेन्नई से मंगवाई थी शायद, हाँ इतना इतना याद नहीं मुझे, हाँ तो ये तब की है, और उन्होंने भी कुछ चार्ज किए होंगे 200 के आसपास ही, क्योंकि जो कीमत होती है वो उन पे देते ही नहीं साले, सॉरी लैंग्वेज के लिए, लेकिन चलो। तो गाइस हाँ और एक बात रही गई, सो गाइस ये है अपनी MAT 4-stroke की चोक केबल, वो क्या दरअसल किस्सा ऐसा है कि जो एक्सेलेटर केबल, क्लच केबल, स्पीडोमीटर केबल, ये केबल तो मिल ही जाती है, लेकिन ये जो केबल है चोक केबल ये आसानी से मिलती नहीं, और यहाँ से भी मिलती है ना तो मैं ले लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसी है। ये भी इसकी पैकिंग फट गई थी, पुरानी पैकिंग थी वो, तो मैंने खुद से पैक कर लिया इसे, और ऐसे मेरे पास इसको मिला के 4 केबल है पड़ी हुई, मैं स्टॉक रखता हूँ गाड़ी का, तो कैसा है कभी भी काम आ जाता है, तो पार्ट्स साथ में हुए तो अच्छे, इसलिए क्योंकि अगर गाड़ी ख़राब हुई और बाहर लेने गए और पार्ट नहीं मिले तो गाड़ी को महीनों खड़े रहना पड़ता है, इसलिए लेके रख लेने का। आपको भी आपकी गाड़ी मेंटेन करनी होगी तो पार्ट्स को लेके रख लो, और जब भी काम निकले तब सीधा अपने बक्से में से निकालो मैकेनिक को दो और गाड़ी रिपेयर कर लो। सो प्रकाश राजेश ऑन योर रिक्वेस्ट, सो दिस इज़ द टुडेज वीडियो गाइस, सो मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ, आगे मिलेंगे सर्विसिंग के वीडियो में, जो मैं अपनी V12 का करने जाने वाला हूँ कल, सो रखता हूँ बाय। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको वक्त मिले तो। बाय बाय।